हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनम रखन द्वारा मिश्रा। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एकदम से सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर जितना ज्यादा हो सके कर देना। 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मतलब ये है कि मैंने आपसे बोला था हम लाइव आके सेलिब्रेशन करेंगे, तो हम लाइव जरूर आएंगे। हो सकता है आज रात ही आ जाएंगे हम, कल जो है वो आज क्या आज सैटरडे कल संडे है ना, संडे को मैं सोच रही हूँ कल लाइव जाया जाए, क्योंकि उस दिन सबको छुट्टी होती है, तो उस दिन सेलिब्रेट किया जाए। तो ऐसा करेंगे हम संडे को है ना वो लाइव आएंगे 8 बजे, 8 से 9। तो आप सबने जरूर हमारी लाइव को देखना। आज की वीडियो हम लेकर आए, इसमें हम देखने वाले भाई पाकिस्तान के मोस्ट फनी, मतलब जो होते हैं इंटरव्यूज में जो लोग बातें करते हैं उनको हम आज सुनने वाले हैं। तो मतलब अफगानी लोग जो है ना वो पाकिस्तान में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया में ज्यादा खुश रहते हैं पाकिस्तान में नहीं, ऐसा भाई कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा करते वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं। वो बिल्कुल कर रहा है, तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा, वो हमारे दुश्मन मल के सब कुछ इंडिया कर रहा है। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चलेगी। कौन? इंडिया। कोई नहीं, इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में, इंडिया तो कुछ नहीं, जब दुनिया हमारी जेब में, डरपोक मुल्क है वो। इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले। क्या कर रहे हैं? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया इंडिया का साजिश है। चांद पे जाके उसने कोई जो है झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? ओ भाई तुम लोग क्या कह ले जाते हो, तुम्हारा नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। ये तो वीडियो की शुरुआत है, आगे आगे वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये भी गारंटी देते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके भी दिन रात सुबह और शाम सब कुछ बन जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरी चैनल। तो इस नई सीरीज के सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये फनी एपिसोड। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मोमेंट्स पार्ट 1। आइए देखें मजा आएगा। दोस्तों गदर 2 ने इंडिया में कई हद तक धमाल मचाया था, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन जब एक ऐसी पाक विरोधी फिल्म को पाकिस्तान के लोगों को दिखाया गया तो भैया उनका रिएक्शन किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। दरअसल अगस्त 2023 के दौरान सलमान शेख नाम के यूट्यूबर ने पाकिस्तान के आवाम को गदर 2 का सीन दिखाते हुए उनसे पूछा कि देखो सनी पाजी कैसे हथौड़ा मार के पाकिस्तान की गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। इस पर जरा इन भाई साहब ने क्या कहा वो सुनिए। सनी पाजी ने उसमें अकेले आए पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस करते हैं। तुम मुझे देखो ये बताओ कैसी लगे, यहाँ थोड़ा मारा हमारी गाड़ी उड़ गई, पाकिस्तानियों की उड़ी है, पाकिस्तानियों की उड़ी है। चलो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चा था, लेकिन इससे बड़े लोगों का भी इनसे भी बुरा हाल है। जब इन जनाब से सनी देओल के पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि सनी देओल के पाकिस्तान के आने के पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है और हुकूमत ही लाई होगी। आसानी से ये आ भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये जैसे क्यों आया और की चला गया वापस। आया कैसे, कैसे आया होगा यार, ये तो हुकूमत लाई होगी ना, कौन लाएगा। तुम थोड़ी ला सकते हो, आपको ये लग रहा है कि हुकूमत लेकर आई है सनी देओल को, और क्या, और कौन लाया। सरकार की गलती है, सरकार ने बुलाया। हाल ही में दोस्तों सितंबर 2023 के दौरान सना अमजद नाम की मोहतरमा लोगों के बीच जाकर उनसे भारत के बारे में उनकी राय ले रही थी। वो लोगों से पूछ रही थी कि क्या आप भारत जाना पसंद करेंगे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक अफगानी पठान भाई से हो गई और इसके बाद उस पठान भाई ने भारत को लेकर भैया ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहाँ मौजूद लोग के तन बदन में आग लग गई और वो इसे पाकिस्तानी विरोधी कहने लग गए। और असल में इंसानियत एहसास और इंसाफ ये तीन चीज किसी में तो वो इंडिया चला जाए, और बेमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी बता दें? हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हो, तेरे बाप को मरवाया, तुमसे कैसे लड़ाई किया 18 से पहले। इंडिया की तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया है, एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा। सब हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है, हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर, बताएं बताएं, जवाब सुने जी, जवाब सुने, सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना पत्थर मेरे को मारो, इधर एक बात है मेरे को पत्थर मारो,
हम पठान का बच्चा है, हमें ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। लेकिन इसके बाद पठान भाई ने जो पलटवार किया उसे सुनकर आपका भी इस अफगान पठान भाई को भारत की नागरिकता देने का मन करेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। चुप, मेरा बात सुन। ये देख, ये क्या है? ये देख, छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। मेरा बात सुन, नहीं चुप हो जाओ अभी। अभी बेर बात सुन, मेरा 17 साल सर्विस है, मैंने अभी नौकरी छोड़ा है, खुद से छोड़ा है, ठीक है? नौकरी क्यों छोड़ा है? नहीं, मेरी बात सुने, दुश्मन, एक मिनट, दुश्मन चांद पे पहुंच गया भाई। आप लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है। रुको जरा, कश्मीर के लिए पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम सारा चोर है, मैं ये बताता हूँ, सारा चोर है। पाकिस्तानी बच्चे का माँ भी चोर है, छोटा बच्चा भी चोर है, वजीर आजम भी चोर है। जून 2023 के दौरान टीम स्वैग नाम के इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई ये वीडियो काफी कमाल की है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को जब इंडिया की महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखाई जाती है तो ये लोग इसे स्कॉर्पियो के बजाय रेंज रोवर समझ लेते हैं। वो लग रही है गाड़ी आपकी? मेरी रेंज रोवर है। रेंज रोवर, मैंने इसका डिजाइन रेंज रोवर टाइप ही है। रेंज रोवर टाइप है, ये बहुत अच्छी है यार ये तो। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें कार के प्राइस का अंदाजा लगाने को कहते हैं, तब ये इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बता देते हैं। लेकिन ये लोग शॉक तो तब हो जाते हैं जब कार की इनको असली कीमत पता चलती है। वैसे इसकी प्राइस क्या है सर? गेस करें कि क्या प्राइस हो सकती है? सर 4-5 करोड़ तो होगी। बोले बाबा, 4-5 करोड़? मेबी 5-6। 5-6 करोड़? लेकिन सर इस गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपया। 12 लाख? नहीं यार, इतनी सस्ती 12 लाख सर? नहीं सर, 12 लाख में आजकल ऑल्टो भी नहीं मिलती। आपने इतनी अच्छी गाड़ी दिखा की, क्या कीमत आ रही है ऑल्टो की? 30 लाख के करीब। ये तो बहुत जबरदस्त है इसकी प्राइस। कहाँ पे हो सकती है? अमेरिका, कनाडा में शायद। यही तो मसला है, बल्कि आपकी नेबर कंट्री इंडिया की है। इंडिया की है? क्या इतनी सस्ती इंडिया गाड़ी दे रहा, क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? चलिए आपको हम पाकिस्तान के खजूर से मिलवाते हैं। वीडियो है दोस्तों फरवरी 2023 की, जिसमें हमें पाकिस्तानी रिपोर्टर शुएब चौधरी देखने को मिलते हैं। शुएब ने जब इस उड़ते हुए कबूतर का इंटरव्यू लिया तो कबूतर ने कहा कि एक पाकिस्तानी हजारों हिंदुस्तानियों पर भारी है, जिसे सुनने के बाद शुएब की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। पाकिस्तानी जो है, एक एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। क्या है उनका ये जज्बा, जाहरी तौर पे वो नहीं कुछ भी कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम जाहरी तौर पे भी टकरा सकते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये तो कुछ भी नहीं, इतिहास के बारे में इस कबूतर की जो नॉलेज है वो तो भैया 21 तोपों की सलामी के लायक है। नहीं, हमने अगर हिस्ट्री को देखें, इधर आ जाए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, 4 जंगें हो चुकी हैं और आपने बोला एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों के बराबर है या इससे ज्यादा है। 4 जंगें हुई हैं जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे इलम में है तो जितनी हमारी जंगें हुई हैं इसमें अक्सर में हम जीते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे नजर घुमाइए। इन जनाब ने बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गधों की आबादी वाला देश है, जहाँ करीब 50 लाख से 70 लाख तक गधों की तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 टांग वाले गधों की बात हो रही है, आप कुछ और मत समझ लेना। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है, 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया। जलवा है हमारा भाई, मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। दोस्तों, जब भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पासपोर्ट से कितने देश जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये रैंकिंग में पूरी दुनिया में भाई 4th नंबर पे आता है। हालांकि ये रैंकिंग नीचे से 4th स्थान पे है। अब ये बात इन भाई साहब को काफी ज्यादा बुरी लगी और इन्होंने गुस्से में आकर अपना पासपोर्ट ही फाड़ दिया। इतने ही नहीं, गुस्से में आकर ये पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ वहाँ की सरकार को भी दिल खोलकर गालियाँ देते दिखे।
ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी एंड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, अदालतें चोर, फकिंग पुलिस चोर, आर्मी चोर, पॉलिटिशियन चोर, सारे मादर चोर चोर है। लैंड पे रखो इसको, मैं थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। लानत है इस बैंचोत कंट्री पे, जिंदगी में कभी भी बैंचोत पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है बैंचोत हमारे लिए, तुम्हारी में सबकी माँ को, सारे आर्मियों की। 6 लाख आर्मी गांडू है बैंचोत। इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना नहीं चाहिए, इन मादर चोदों के अकाउंट में पैसे डालो और ये आपको कश्मीर दे देंगे, बल्कि आपको लाहौर भी दे देंगे। ये इतने भैन चोद हैं ये, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी जज, पाकिस्तानी फकीन अदालतें, सब चोर भैन चोद। लानत है तुम सबकी माँ को चोद में। बाय दोस्तों, इंडियन मीडिया लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के बंटी भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे। दरअसल बंटी भाई का काम पाकिस्तानी लोग को रोस्ट करने का है और कुछ ऐसा ही काम वो इस वीडियो में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर शुएब चौधरी इन सब लोगों से पाकिस्तान के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान एशिया का किंग है। पता नहीं ये भाई कौन सा सूखा नशा करता, तभी तो इसे ये अजीबोगरीब से भ्रम हो रहे हैं। अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही है, सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से, अफगानिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। ओए होए, कितनी बड़ी ताकत है भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू कॉमेडी? फ्रेंड्स, थार इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या ये सऊदी अरब में भी पॉपुलर है? चलो ये वहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। दरअसल जनवरी 2023 के दौरान सऊदी अरब से कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान घूमने आए। इस दौरान पाकिस्तानी मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी ने उन लोगों को थार की वीडियो दिखाते हुए उनसे इसके बारे में राय जाननी चाही। साथ ही उनसे पूछा कि क्या ये गाड़ी वहाँ पर चलती है। इस पर उन लोगों ने क्या जवाब दिया वो आपको भी सुनना चाहिए, और ये सुनने के बाद आपको भी हमारे देश भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा। सब कुछ अरब से आए हुए अरबी है जो कि सऊदी अरबिया से आए पाकिस्तान घूमने के लिए आए। बस मैं इनसे बात करूंगा, इनको गाड़ी की वीडियो दिखाऊंगा इनको कि पावर कैसी है थार की, और ये कंपनी जानते हैं कि नहीं, कौन सी कंपनी है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रेहान। रेहान, यस, यू लाइक मस्ट पाकिस्तान मोस्ट और इंडिया? बोथ आर 50। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियो, यू वॉच द वीडियो एंड टेल मी विच कंपनी दिस कार और यू लाइक और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके ब्रो, गाइस ये अरबी है तो इनके साथ थोड़ी सी मुझे अरबिक आती नहीं है, तो मैं इसीलिए थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू नो दिस कंपनी? दिस इज आई नो इट इज फ्रॉम इंडिया। और उसको बोलता है इट्स आल्सो हैव इन सऊदी। वो या इट्स कॉल्ड जीप, सो पावरफुल, इट्स सो अमेजिंग मशीन, इट्स इंजन पावर इज सो गुड मैन, आई कांट इवन टेल यू। गाइस ये थी आज की वीडियो, तो आप देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई कुछ ऐसे इंटरव्यूज उन्होंने दिखाए जो कि कॉमेडी से भरे थे। मतलब यार हमारे पाकिस्तानी बेचारों का कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में। जो हमारी बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है या जो हमें शुरू से सिखाया जाता है ना, वो यही सिखाया जाता है कि ना मतलब एक पाकिस्तानी का जज्बा जो है ना, वो हजार अगर लोग होंगे ना तो उनके बराबर हमारा जज्बा होता है। लेकिन आजकल जो दौर है वो है टेक्नोलॉजी का। आजकल तो गोलियां मतलब बॉम्ब है, इतने इतने है कि बंदा मतलब एक बंदा एक पे तो कभी भी मतलब सौ पे क्या हजार पे कभी भी भारी नहीं पड़ सकता। लेकिन ये पता नहीं शायद कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे इस चीज का समझ नहीं आता कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब हर बंदा जो है ना वो इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते। लोगों को चाहिए यार कि कुछ थोड़ा मतलब अपना ध्यान दें, कुछ रिसर्च करें, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा ना कंट्री हमारा। ऐसे कंट्री में मतलब लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं। अब वो एक अफगानी था, वो बोल रहा कि ना मतलब अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया भाग के चला जाऊँ, मैं यहाँ पे कभी भी ना रहूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बेईमान, क्योंकि वो असल में पठान जो होते हैं ना वो कारोबार करते हैं, तो वो जब कारोबार जब इंसान कर रहा होता है ना तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बड़े लोगों से मिलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन से बंदे
ईमानदार हैं और कौन से बेईमान हैं। वो बोला है, मैं इंडिया भी गया हूँ, वहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, यहाँ के लोग जो है यहाँ पे खड़े होके सबके सामने भी भाई हिम्मत है। वो बोला सच्ची में पठान जो होता है ना, हमें झूठ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हमारे लिए हिम्मत है। वो बोला अगर झूठ बोला तो मेरे सर पे जो है ना जूतियां मारो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालांकि वो हमें अफगानिस्तान का है बंदा, जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं ना तो वहां पे हमारा इतनी होती नहीं है, मतलब कि हम ना खड़े होके वहां पे बात कर सके, लेकिन क्योंकि वो एक पठान है और वो नहीं डरता इस चीज से, उसने खुल कर जो है ना वो बात की है, तो हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। अम्मी आप क्या सोचती हैं? दलेर है और नहीं मतलब हमारे कंट्री का क्या होना चाहिए? हमारे कहने का गल है नहीं कोई अच्छा हुक्मरान तो मिलना चाहिए, किस्मत से मिलता ना। हाँ अच्छा हुक्मरान हो और लोग भी, लोगों की सोच भी तो चाहिए ना, ये तो नहीं कि लोग पिछले दौर की जो सोच है उसको लेकर चलते रहो, तो अगले दौर में तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते ना। आपको दुनिया के साथ साथ जो है ना वो आगे कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाहिए। और चलेंगे तो बात बनेगी। और वो बोलते हैं भाई इंडिया को तो हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, वो तुम लोगों को लेके घूमते हैं, आप नहीं घूमते उनको लेकर। उनकी गाड़ियां आपने देखी हैं, वो कितनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की है, 10-10, 12-12 लाख की गाड़ी जो है वो इतनी कमाल की दे रहे हैं। यहाँ पे तो इतने लाख की तो गाड़ी पहली बात है इतने की गाड़ी आती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो वो 30 लाख से शुरू होती है, मेहरान गाड़ी है नी, इतने से वो शुरू होती है। पहले नहीं थी, अब हो गई है ना, अब बड़ी महंगी हो गई है, बड़ी महंगी इतनी। हाँ बड़ी घटिया गाड़ी होती है, उसमें तो दिल ही नहीं करता बैठने को भी, तो क्या कह सकते हैं भाई, ऐसे ही हालात है हमारे, तो दुआ कीजिए हमारे लिए कि हमारे हालात भी अच्छे हो जाए, हम भी अपनी गाड़ी अपनी चीजें बनाना शुरू कर दे ताकि हम भी किसी मुकाम पे पहुंच पाए। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।